बनाइए, मोदी सबको डीएम तो बनाना ही देंगे, मोदी डीएम तो बनाना ही देंगे सबको। ये 3000 रुपए कमाते हैं, 30000 रुपए कमाते हैं, बताइए। गौर से देखो इस शख्स को, ये अपने आप को, ये अपने आप को बेरोजगार बता रहा था। ईडी ईडी क्या है? डर गया, आप क्यों बोल रहे हो 30000 रुपए कमा रहा हूँ? अभी बेरोजगार बता रहे थे, पहले एक गिरगिट थी इस देश में, अब दो हो गई है। केजरीवाल ने बोला कि आओ चाय पियो, नीतीश 3 बार चाय पी कर आ गया केजरीवाल के साथ। उसने कैसी फिरकी डाली, ऐसी फिरकी डाली कि हो सकता है थोड़े दिन बाद वहां शराब भी चालू हो जाए। आज उनके जो दर उठा के देख लीजिए, इसी वजह से बीजेपी आज बैक फुट पे आने के लिए मजबूर हो गई कि जहां विकास नहीं है वहां बीजेपी मतलब विकास होता है, बीजेपी मतलब विश्वास होता है। जहां जहां विकास नहीं बीजेपी इसी वजह से आज 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 छोड़ी किस लिए, आज छोड़ी किस लिए? नहीं, आज 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 उनके साथ आज छह महीना पहले से उनका खिटमिट चालू हुआ। बीजेपी जब चालू किया उनके खिलाफ बोलना, तब उनको गोदी चाहिए था, एक दूसरा पप्पू की गोदी में जाके। ये बताइए क्या किया, सवाल ये भी तो खड़े हैं, बीजेपी के साथ जब गठबंधन था तो क्यों विकास नहीं कर पाए, क्यों गठबंधन तोड़ के जाना पड़ा? एक्चुअली इनके ऊपर, इनका जो है ना, इनको तो चलाना चाह गुंडा राज चलाना था। 17 साल में बीजेपी नहीं, शायद मुझे लगता है क्षेत्रीय पार्टियां कुछ करना नहीं जाती, बीजेपी को भी रोक रही। आज शहनवाज हुसैन बहुत अच्छा बजट लाए थे बिहार के लिए, शायद आपको किसी को मालूम होगा, सबको 7000 करोड़ से ऊपर के ज्यादा इन्वेस्टमेंट था बिहार के लिए, लेकिन अब सरकार पलट गई, वो भी इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा, तो फायदा क्या हुआ इतने टाइम से चला के? मतलब बीजेपी को बैकफुट में करने के लिए कोई पार्टियां, आरजेडी मिल रही है, कांग्रेस मिल रही है, इनका कोई फायदा नहीं है। आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, डेवलपमेंट के लिए जनता को सोचना पड़ेगा कौन सी पार्टी को लाना है कौन सी नहीं लाना है। ये सब क्षेत्रीय पार्टियां तो सब खा रही हैं, अपने लिए खा रही हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी आई है जो बहुत टाइम बाद जो एक देश के लिए विकास कर रही है, ठीक है, और कैसे विकास कर रहे हैं, कह रहे विकास करने का दिया नीतीश कुमार को। आप आज यूपी देख लीजिए, आप आज यूपी का इन्वेस्टमेंट कितना अच्छा आ चुका है, यूपी में एक डबल इंजन की सरकार आ चुकी है, एक इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से आ रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ग्लोबल आज शहनवाज हुसैन आए हुए थे दिल्ली आए हुए थे, 7000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे थे, अब वो इन्वेस्टमेंट हो गया जीरो बिहार के लिए। ये किसका घाटा, किसका हो रहा है? बिहारियों का हो रहा है ना, देश का हो रहा है ना। ये भाई अभी पूछ रहे हैं कि रोजगार का ग्राफ क्या है, इनको बताओ। एक सेकंड इनको बताओ, एमएसएमई में बिहार का सेकंड पोजीशन ला दिया है बीजेपी ने शहनवाज हुसैन के नेतृत्व में, और सेकंड पोजीशन एमएसएमई के उसमें सेक्टर में, आप इनसे क्या बात कर रहे हैं रोजगार की? आप एक बार ये पूछ लो, ये जितने भी, अरे रुको ना, ये जितने भी अंधभक्त फिर रहे सारे चले जाएंगे। एमएसएमई एक्ट का मतलब बता दो, मैं चला जाऊंगा, रुक जाओ एक मिनट। मोदी अनपढ़ कर रहा सबको, ये कह रहे हैं मोदी जो है सबसे बड़ा पप्पू है। सुनिए, ये वही पप्पू है जिसने 2014 में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, ये वही पप्पू है जो जन धन योजना के थ्रू खाते खुलवा रहा है, ये वही पप्पू है। ये देखो 2000 रुपए के जूते ला रहे हैं, ये 2000 रुपए के जूते ला रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये बता रहे गरीबी, ये वो लोग है जब, ये वो लोग है, ये वही पप्पू है जो पुलवामा गया था चाचा, ये बेरोजगार आराम कर, आराम इन सब की। ये देखिए मोदी जी, रावत जी, मोदी जी ने विकास क्या करने दिया? रावत जी रुक जाओ, लालू यादव रुक जाओ, जिसे रोटी बनानी राबड़ी देवी को समझ के रोटी बनानी जाती थी, अनपढ़ को सीएम बना दिया, वो विकास बिहार में हुआ था, वो विकास अब होगा, जो नमी फेल है वो डिप्टी सीएम बना दिया, सर्जिकल स्ट्राइक का नमी फेल है डिप्टी सीएम बना दिया, सेना अब होगा, अब ये सब डीएम हो जाएंगे, लाल बत्ती पे आएंगे कल से, ये सब लाल बत्ती पे आएंगे कल सब डीएम हो जाएंगे। अरे बिहार में अरे कानून लाते हैं तब तो ये ब्लैक कपड़े पहन के आ जाते हैं, कोई कानून लाते तो ब्लैक कपड़े पहन के आ जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक में आरोप लगा रहे हैं, जो सेना पे आरोप लगा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करा तो जब सर्जिकल स्ट्राइक करा तो ये हमसे प्रूफ मांग रहे हैं, अभी अमेरिका ने सर्जिकल स्ट्राइक करके वो मार दिया तो वो कोई प्रूफ नहीं मांग रहा, हमसे जो प्रूफ मांग रहे हैं, इन्हें अपने बाप का पता नहीं, ये दूसरे के बाप का नाम पूछ रहे हैं, जिन्हें अपने बाप का पता नहीं है कि हमारे बाप कौन थे, हमारे बाप कौन थे, दलाल थे कौन थे,
आराम 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 आराम। पुलवामा हमले के बारे में पूछ रहे हैं, इनसे पूछो किसने कराया था वो हमला, कह रहे हैं बताओ, पूछो किसने कराया था पुलवामा हमला। नहीं नहीं रिकॉर्ड करो, बिल्कुल रिकॉर्ड करिए, बोला मोदी ने करवाया था, ऐसा है हाँ, गलत बात मत बोलिए, मुकर गए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पुलवामा पुल नहीं, पुलवामा हमले की आज तक जांच क्यों नहीं हुई, मैं वो पूछना चाहता हूँ, चारा घोटाला करवाइए फिर दोबारा से, जेल में है इनको वही चाहिए चारा वाले, और आज क्या आठवीं पास वाले को जो उप मुख्यमंत्री बनाते, रावली देवी को अनपढ़ को मुख्यमंत्री बनाते, इन लोगों को पूछिए पूछिए ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए इन्हें, ये कह रहे हैं इनका फूफा, जो बुरा माने इनका फूफा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो चौकीदार है, उसने वो हमला नहीं कराया, उसने शोध प्रकट करा, सर्जिकल स्ट्राइक कराई, और इमरान खान के मंत्री ने संसद में माना कि जो हमने पुलवामा में हमला कराया था वो सिद्ध हुआ। ये वो लोग हैं जो मोदी का विरोध करते करते देश विरोधी गति, भाई साहब बात पूरी होने दोगे, टिकट नहीं मिलेगी यहाँ बोलने से, सुनिए सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वहाँ के मंत्री ने माना, ये वो लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो गए मोदी का विरोध करते, और ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्रेनें जलवाई थी बिहार में, ये वही लोग हैं जिन्होंने ट्रेनें जलवाई थी बिहार में, और इनसे पूछो इनके बाप के पैसे लगे थे वो ट्रेनों में, इनके बाप के पैसे लगे थे, किसके लगे थे, और रहा सवाल नीतीश का, नीतीश आदमी बढ़िया है मगर सत्ता का लोभ इस देश में, पहले एक गिरगिट थी, भाई साहब मौका आएगा तो बोल देना, इतने उतावले मत हो, पहले एक गिरगिट थी इस देश में, अब दो हो गई है। केजरीवाल ने बोला कि आओ चाय पियो, नीतीश तीन बार चाय पीकर आ गया केजरीवाल के साथ, उसने कैसी फिरकी डाली, ऐसी फिरकी डाली कि हो सकता है थोड़े दिन बाद वहां शराब भी चालू हो जाए, क्योंकि ये जगह जगह शराब नीति। लेकिन सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी ने विकास कहाँ करने दिया नीतीश बाबू के साथ, कह रहे हैं कि विधवाओं को पेंशन तभी तो छोड़ के चले, कौन कह रहा विकास नहीं हुआ, कैसी बात कर रहे हैं, बताइए सर कौन सा विकास हुआ 8 साल में, इन्होंने क्या कोई इसका विकास नहीं हुआ सर, कितने इंडस्ट्री लगवाए, कितने इंडस्ट्री लगवाए सर, इसको नौकरी नहीं मिली, आपको नौकरी नहीं मिली से, ए महाराज एक मिनट आगे करो, आगे आगे एक कर लो, ए हुर हुर इंडिया से, ये कोई जवाब नहीं, ये कोई हिंदुस्तान से, सर इंडिया से, ये आदमी मोहम्मद कोसर 10वीं पास, और ये यूं कहता है कि मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, सवाल है रुकिए, इसके घर में पढ़े हैं, कितने पढ़े हैं, 10th पास है, भाई साहब सुनिए आप मेहनत करिए, आप 10वीं पास है हमारी सहानुभूति है, मगर मुझे एक बात बताइए, रुकिए ना, इससे पहले यहाँ जितने लोग घूम रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर थे क्या आपको मालूम, रॉब नाम, अरे भाई साहब बोलने का मौका दो, ये भी भाई हमारे बीच का, ये कोई दुश्मन नहीं है, अच्छा विकास नहीं हुआ मतलब, अगर इसका माइंड वॉश करना है ये पप्पू के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको भी अंत भक्त बनाना पड़ेगा, सर आप भी पप्पू हो, और कोई नहीं सकता है, ये देखो भैया भैया मैं भूल जाऊंगा, मैं 10th फेल हूँ, 3,500 रुपए मिल रहे हैं, मेहनत करो तुम तो डीएम बनोगे, 10वीं पढ़ने के बाद 10th फेल हूँ, अभी दिखा दूँ मार्कशीट, 10th फेल हूँ, 3,500 रुपए पासबुक देखो मेरे पास, पासबुक आराम से, तो डीएम बनोगे, डीएम बनने की क्षमता तो नहीं है, मोदी सबको डीएम तो बनाना ही देंगे, मोदी डीएम तो बनाना ही देंगे सबको, मोदी डीएम तो बनाना ही देंगे सबको, ये 3,000 रुपए कमाते हैं, 30,000 रुपए कमाते हैं, बताइए गौर से देखो इस शख्स को, ये अपने आप को, ये अपने आप को बेरोजगार बता रहा था, ईडी ईडी क्या डर गया, आप क्यों बोल रहे हो 30,000 रुपए कमा रहा हूँ, अभी बेरोजगार बता रहे थे, भेजा हुआ है अच्छा अभी बेरोजगारी, अरे भाई अभी बेरोजगारी की बात कर रहे थे, अभी कहने लगे कि 30,000 रुपए कमा रहा हूँ, कैसी बेरोजगारी है कि 30,000 कमाने, हमारे बिहार में चारा घोटाला हुआ था, चारा घोटाला हुआ था, दंगा करवाए तो उन्हें बताए, तो किसने जलाई थी ट्रेन, आपने, आप लोगों ने दंगा करा था, हाँ कितने लोग मारे गए थे उसमें, किस बात पे, क्यों ट्रेन का क्यों नुकसान करा,
बताओ रोजगार नहीं दीजिएगा। मोदी जी ने बोला था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिया। ऊपर से देखिए हम कहते हैं, जो कहता है मोदी गलत है तो वही गलत है। हम तो ये कहेंगे, हमें बस इतना बताया छोटा सा। बिहार में क्या, बिहार में क्या हुआ? बिहार में बहुत कुछ हुआ है। कौन कह रहा है दारू फ्री मिल रही है, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही, एक के साथ एक दारू फ्री मिल रही है, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही। अभी तो नीतीश कुमार छोड़ के चले गए, और क्या होगा? बिहार में पूछिए कितने लोग हैं, इनको एक भी जमीन नहीं, हकीकत पता नहीं, हकीकत एक भी पता नहीं है इनको, हकीकत एक भी पता नहीं है। आज ये पूछो इनसे, ये कहाँ कहाँ नुकसान के बावजूद तुमने कितना नुकसान करा तुम लोगों ने? रोजगार का, रोजगार का, रोजगार मैं दिल्ली में कर रहा हूँ। क्यों सर, जैसा तू वैसा। मैंने मैंने दूसरी जगह भी एक बात करी, सिर्फ और सिर्फ ये बात करी, ढाई वर्ष पहले पिछले वाले ये बताओ। एक 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 मेरा सवाल ये है, नीतीश कुमार जी आज बीजेपी को छोड़ के चले गए, तो सही किया गलत किया? सर देखिए, छोड़ना जनता मैंडेट देती है काम करने के लिए 5 साल के लिए, तो पहले तो उन्होंने छोड़ के दो, पहले आरजेडी तोड़ केस में आ गया, बीजेपी में आ गए, तब तो इन लोग को बड़ा अच्छा लगा, और जब इन्होंने फिर से इनसे तोड़ के उसमें चला गया तो इन लोग को बड़ा खराब लग रहा है कि हमको क्यों छोड़ चला गया, क्योंकि हमको मलाई खाने के लिए मिलेगा नहीं। बात ये है, लेकिन जो आप लोग कह रहे हैं, एक करना क्या चाहिए, अब करना क्या चाहिए आप? मैं चाहता हूँ बीजेपी कुमार जी को अपना फायदा मिला होगा तो उधर गए, बिल्कुल फायदा मिला होगा, करना क्या चाहिए? आपको पता है नीतीश कुमार जी कितने साल से बिहार में मुख्यमंत्री है? 13 या 15 साल के आसपास का है।